हाय गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन सौरभ गेमिंग यूट्यूब चैनल। सो फाइनली गाइस, जैसा कि आप सभी के गेम का अपडेट आ चुका है एंड आज के इस वीडियो में आप सभी को ऑल ओवर सारे कोड मिलने वाले हैं। एंड इस बार के अपडेट में रोहित गेमिंग स्टूडियो ने जितने भी IGS टूल के अंदर न्यू कोड बताए वो कोड बताऊंगा। एंड इसके अलावा आप सभी को निशान GTA कार का चीट कोड नंबर बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा पुलिस बाइक को लेकर के दिखाऊंगा। बहुत सारे लोगों को अभी तक निशान GTA कार का चीट कोड नहीं मिला एंड न ही पुलिस बाइक का चीट कोड नंबर मिला। एंड आज के इस वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा कि निशान GTA कार का चीट कोड नंबर क्या है एंड इसके अलावा पुलिस बाइक का चीट कोड नंबर क्या है, जिसके बाद से आप सभी भी अपने गेम के अंदर इन सभी चीजों को आसानी से ले पाएंगे। एंड इसके अलावा आप सभी के गेम में जितने भी न्यू चीट कोड हैं वो सारे के सारे बताने वाला हूं। एंड इसके अलावा आप सभी देख सकते हैं कि अपडेट आने से पहले जो हमारे गेम का हाउस था उसके अंदर आप सभी को ये लाइटें नहीं देखने को मिलती थी जो बेडरूम के साइड साइड लगी हुई है, लेकिन रोहित गेमिंग स्टूडियो ने इस बार के अपडेट में इन लाइटों को भी ऐड किया जो कि देखने में काफी औसम लग रही है। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग, इसलिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करना एंड हमारे YouTube चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना। चलो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं कि हमारे इंडियन बाइक से ड्राइविंग थ्री गेम में 9191 डायल करने से क्या आता। आप सभी देख सकते हैं न्यू वाली थार स्पॉन होकर के आ जाती है एंड फिर तो हमारे गेम में पुरानी थार भी होगी क्योंकि उसका चीट कोड 9090 था। चलो उसको भी डायल करके देख लेता हूं क्या मेरे गेम के अंदर पुरानी वाली थार अभी भी है। तो 9090 डायल करते ही आप सभी देख सकते हैं कि मेरे गेम में जो पहले से थार थी वो भी है। इसको हटाया नहीं गया है, रोहित गेमिंग स्टूडियो ने हटाने के लिए बोला था लेकिन हटाया नहीं है। एंड चलो अब बोट को स्पॉन करा लेता हूँ, क्या मेरी बोट जो है वो रोड पर भी स्पॉन हो सकती है क्या। चलो 3001 डायल करके देख लेता हूँ क्या मेरी बोट यहाँ पर स्पॉन हो सकती है। हाँ, तो बोट आपकी कहीं पर भी आप स्पॉन करा सकते हैं एंड इसको रोड पर भी चला सकते हैं। एंड अभी आप सभी ये कमेंट करके बता देना कि इस बार के अपडेट में जो रोहित गेमिंग स्टूडियो ने बोट को एड किया ये आप सभी को देखने में कैसी लग रही है, बेस्ट है या फिर नहीं। एंड चलो जो रोहित गेमिंग स्टूडियो ने रिप्लेस करने की बात की थी पल्सर RS200 को, तो उसको देखता हूँ कि 5000 डायल करने से मेरे गेम में पहले वाली पल्सर आती या फिर न्यू वाली। तो आप सभी देख सकते हैं कि RS200 हमारे गेम में आ चुकी है, यानी कि न्यू वाली पल्सर आपको देखने को मिलती है, पहले वाली हटा दी गई है। एंड इसके साथ में रोहित गेमिंग स्टूडियो ने यमहा R15 को रिप्लेस करने की बात की थी, तो क्या यमहा R15 को भी रिप्लेस किया है क्या। चलो चीट कोड डायल करके चेक कर लेता हूँ। 0015 डायल करने से मेरे गेम में यमहा R15 आती थी एंड फिर भी आ रही है, लेकिन न्यू वाली यमहा R15 आप सभी को देखने को मिलती है। एंड इन दोनों बाइक का मॉडल चेंज हो चुका है लेकिन चीट कोड सेम है। एंड चलो बात कर लेता हूँ कि मेरे गेम के अंदर बहुत सारे डायनासोर भी आए हैं तो उनके चीट कोड नंबर क्या है। सारे चीट कोड मैं बताऊंगा कि मेरे गेम में कौन सा चीट कोड डायल करने से कौन सा डायनासोर आता है एंड उसको हम ड्राइव कर पाएंगे या फिर नहीं। तो सबसे पहले मैं डायल कर लेता हूं 50 डायल करने से मेरे गेम के अंदर वेलोग्रेप्टर डायनासोर स्पॉन होकर के आता है, जैसा कि आप सभी डायल किया एंड देख सकते हैं वेलोग्रेप्टर डायनासोर स्पॉन होकर के आ चुका है जो कि दो पैरों से चलता है एंड इसका सर छोटा हुआ पूंछ काफी ज्यादा लंबी होती है। एंड इसके बाद हम अगले चीट कोड के बारे में बात करें तो अगला चीट कोड भी मैं आपको बताऊंगा कि अगला चीट कोड कौन से डायनासोर का होने वाला है। तो अगला चीट कोड है 5151 डायल करने से मेरे गेम के अंदर स्पॉन होकर के आ जाता है टीरेक्स डायनासोर। एंड इसके अलावा अगले चीट कोड के बारे में बात करें तो अगला चीट कोड है मेरा 52। जैसे मैं आप सभी के सामने 52 डायल करता हूं आप सभी देख सकते हैं स्पाइनो नाम का डायनासोर स्पॉन होकर के आ जाता है। एंड इसके बाद मैं अगले चीट कोड के बारे में बात कर लूं तो अगला चीट कोड है 53। जैसे 53 डायल करता हूं आप सभी देख सकते हैं ब्राज नाम का डायनासोर आता है जो कि काफी बड़ा है, जो हमारे गेम में बिल्डिंगें काफी बड़ी बड़ी है उतना ऊंचा तो इसका सिर जाता है, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। एंड ये काफी ज्यादा खतरनाक भी है क्योंकि भाई इसकी सूंड इतनी बड़ी है कि आपको कितनी भी ऊपर रहो ये खा सकता है। चलो बात कर लेता हूं कि इनमें से आप किस डायनासोर को राइड करा पाएंगे। तो गाइस इनमें से आप सभी किसी भी डायनासोर को राइड नहीं करा पाएंगे एंड आप टीरेक्स डायनासोर को राइड करा पाएंगे क्योंकि भाई उसका चीट कोड 50 है एंड 50-50 भी है। तो 50-50 डायल करेंगे तो टीरेक्स आएगा, उसको आप सभी राइड करा पाएंगे एंड 50 से स्पॉन कराएंगे तो उसे राइड नहीं करा पाएंगे। एंड इसके अलावा जो आप सभी के गेम के अंदर डॉग है इसको भी आप सभी अब राइड करा पाएंगे एंड इससे आप सभी किसी भी NPC को किल भी कर सकते हैं। एंड अपडेट आने के बाद ये जो डॉग है आपको फॉलो नहीं करता है एंड डॉग को राइड कराने में मजा काफी ज्यादा आता है। चलो मैं अपने डॉग के ऊपर बैठ चुका हूँ एंड इसको राइड भी करा पा रहा हूँ, आप सभी देख सकते हैं। आप भी अपने गेम के अंदर आसानी से डॉग को राइड करा पाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोग अभी तक डायनासोर से किसी भी NPC को किल नहीं कर पा रहे यानी कि टारगेट लॉक नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए रोहित गेमिंग स्टूडियो ने कोड बताया है IGS टूल के अंदर, जिसका कोड मैं आप सभी को बताऊंगा, उसके बाद आप सभी भी टारगेट लॉक कर सकते हैं। तो आप सभी को IGS टूल में जाना है एंड यहाँ पर आप सभी को AIM डायल करना एंड सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर जो आप सभी किसी भी NPC के ऊपर एक गोली मारेंगे तो जो आपका डायनासोर है वो पूरी तरह से NPC को खा जाएगा। एंड बहुत सारे लोग बोल रहे थे डायनासोर वर्से डायनासोर भी कर सकते हैं क्या, तो हाँ आसानी से कर सकते हैं। आप सभी टारगेट लॉक करके डायनासोर वर्से डायनासोर भी कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं मैं आप सभी के सामने स्पॉन कर चुका हूँ 2 डायनासोर एंड आप सभी देख सकते हैं टारगेट लॉक भी है। तो मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि एक डायनासोर से दूसरे डायनासोर को
कैसे मारते हैं। तो आप सभी देख पा रहे हैं मैं पहले वाले डायनासोर के ऊपर एक दो गोली मार दिया हूं, एंड इसके बाद अगर जो फिर से हम किसी एनपीसी के ऊपर गोली मारता हूं तो आप सभी देख पाएंगे कि जो मेरा डायनासोर है वो एनपीसी को खा जाएगा। लेकिन गोली मारते ही अगर जो मैं फिर से डायनासोर को स्पॉन कराऊंगा तो आप सभी देख पाएंगे कि डायनासोर वर्सेस डायनासोर हो चुका है। यहाँ पर मेरे जो डायनासोर हैं वो आपस में लड़ जाएंगे, एंड देखना यह है कि कौन सा डायनासोर किस डायनासोर को मारता है। तो आप सभी देख पा रहे हैं कि डायनासोर वर्सेस डायनासोर हमारे गेम में चल रहा है, एंड अभी ये तो कंफर्म है कि एक डायनासोर को यहाँ पर मरना होगा। तो आप सभी देख सकते हैं कि एक डायनासोर ने दूसरे डायनासोर को किल कर दिया है। एंड चलो मैं अब बात करता हूँ कि मेरे गेम के अंदर निशान जीटीए कार क्या ऐड हुए तो चीट कोड नंबर क्या है, एंड इसके अलावा पुलिस बाइक का चीट कोड नंबर क्या है। तो रोहित गेमिंग स्टूडियो ने पहले ही बोला था कि मैं आपके गेम के अंदर निशान जीटीए कार को ऐड कर रहा हूँ, एंड इसके अलावा पुलिस बाइक को ऐड कर रहा हूँ। हालांकि उन्होंने निशान जीटीए कार को ऐड कर दिया था लेकिन मॉडल थोड़ा सा बुरा था, इसलिए उन्होंने फिर से उसे रिप्लेस किया, एंड फिर से ऐड करते करते अपडेट की डेट आ गई, जिसके कारण उन्होंने इस बार के अपडेट में निशान जीटीए कार को अपडेट नहीं दे सके, एंड उन्होंने बताया कि नेक्स्ट अपडेट में आप सभी को निशान जीटीए कार एंड पुलिस बाइक भी देखने को मिलेगी। तो भाई इस बार के अपडेट में तो आप सभी को निशान जीटीए कार एंड पुलिस बाइक नहीं देखने को मिली है, लेकिन जो अपडेट आएगा इस बार जो उसमें आप सभी को निशान जीटीए कार एंड पुलिस बाइक तो जरूर से जरूर ही देखने को मिलेगी। फिलहाल आज के इस वीडियो में मेरे पास यही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर लेना, जिससे कि मैं जब भी कोई नया वीडियो लाऊं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।